जैन दोस्तों, इस वीडियो के एंड में बहुत ही अच्छा सरप्राइज है, तो सरप्राइज को बिल्कुल भी मिस मत करना और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। तो कैसे हैं आप लोग? हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके चैनल पेट सोल्स में। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस दुनिया की सबसे बड़ी डॉग ब्रीड और बहुत ही अच्छी दिखने वाली डॉग ब्रीड जो की है ग्रेट डेन। इनको रिकॉग्नाइज डॉग ब्रीड्स में से सबसे लार्जेस्ट डॉग ब्रीड माना गया है और ये बहुत ही अच्छे दिखते हैं। ये तब से पॉपुलर है जब से एक स्कूबी डू नाम का कार्टून आया था और तब से ही इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। और ये दिखने में बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा टॉल होते हैं। पर आज हम जानेंगे ग्रेट डेन के बारे में, हर एक वो छोटी चीज़ वो आपको हेल्प करेंगी ग्रेट डेन को चूज़ करने में और आपको मदद करेंगी कि आप ग्रेट डेन को ले सकते हैं या फिर नहीं। तो वीडियो को एकदम आखिरी तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके वो सब्सक्राइब बटन दबा दो। सो गाइस, जैसे कि बताया कि ग्रेट डेन की जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, जो कि है 6 साल से लेके 8 साल तक, क्योंकि ये दुनिया में सबसे बड़े डॉग ब्रीड होते हैं। तो इनमें कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आती है जैसे कि हिप डिस्प्लेशिया और बोन डिस्प्लेशिया, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये डॉग्स को ज़्यादातर VIP लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये दिखने में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और अगर कोई घर में घुसने की कोशिश करता है तो इनकी शक्ल देखकर ही वो डर जाता है। तो इसीलिए ये ज़्यादातर महंगे होते हैं और ज़्यादातर VIP लोगों के पास ही देखे जाते हैं। ग्रेट डेन की हाइट और साइज़ बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, इसलिए आप उनको छोटे या फिर मीडियम घर में नहीं रख सकते। उनको रखने के लिए एक बहुत बड़ा घर होना ज़रूरी है और या फिर घर के सामने जो आंगन होता है वो होना ज़रूरी है या फिर एक बड़ा सा बैकयार्ड होना ज़रूरी है। ग्रेट डेन्स आराम से 6 फुट की दीवार को कूद सकते हैं, इसलिए आप ये बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी दीवारें 6 फुट से ऊपर हो ताकि ग्रेट डेन उस दीवार को कूद के बाहर ना जा सके। तो इसी कारण इनको ज़्यादातर फार्म्स में इस्तेमाल किया जाता है या फिर जो बहुत बड़े घर है वहाँ भी इनको रखा जाता है। ये डॉग जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक डॉग है और ये ज़्यादातर बीमार तो नहीं पड़ते, पर बस इनमें हेल्थ प्रॉब्लम आती है। जब ये बूढ़े हो जाएंगे तब इनको बोन्स की प्रॉब्लम होनी ही है। तो इनकी लाइफ स्पैन भी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, जैसे बताया 6 से 8 साल। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा लंबा जीने वाला डॉग लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ ग्रेट डेन को मत लीजिए क्योंकि वो बहुत जल्दी ही आपके साथ से चला जाएगा। पर कुछ ग्रेट डेन्स ऐसे भी होते हैं जो 10 से 12 साल तक जी लेते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा केयर की जाती है और इनके केयर के कारण ही बहुत सारे डॉग्स भी बच सकते हैं और उनकी लाइफ स्पैन बढ़ सकती है। ग्रेट डेन बहुत ही हाईली एनर्जेटिक डॉग ब्रीड होने की वजह से आपको इनको रोज़ रेगुलर एक्सरसाइज देनी पड़ेगी और इनको हेवी एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि इनके मसल्स और इनके बोन्स की एक्सरसाइज होती रहे। इस डॉग ब्रीड को अगर मेंटेनेंस के हिसाब से नापा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा हाईली मेंटेनेंस वाली डॉग ब्रीड रहेंगी क्योंकि इन पे फूड पे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, जो कि है 2200 से लेके 3500 तक, जो कि बहुत ज़्यादा है और हो सकता है कि आपका खर्चा इससे भी ज़्यादा हो जाए मेडिकल खर्चे को अगर पकड़े तो। ग्रेट डेन जो है वो बहुत ही अच्छे वॉच डॉग है और इसी के साथ साथ वो बहुत ही अच्छे फैमिली डॉग भी है, और फैमिली डॉग होने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं और फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। ग्रेट डेन्स बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे से रह लेते हैं और इसी वजह से वो बहुत अच्छे फैमिली डॉग और गार्ड डॉग भी माने जाते हैं। जब आप ग्रेट डेन को घुमाने लेके जाओगे तो आपको एक अलग ही पैशन नज़र आएगा कि ग्रेट डेन को घुमाने लेके जा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा फील आएगा कि आपके हाथ में ग्रेट डेन है, इतना बड़ा डॉग, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा कि इतना अच्छा ग्रेट डेन है। आपको बस उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा और इसका शॉर्ट कोट होने के कारण इसको आप हफ्ते में 1 या 2 बार ग्रूमिंग कर सकते हैं और इसकी रेगुलर ब्रशिंग की आपको ज़रूरत है क्योंकि जो इनके बालों में कचरा जाता है, डैंड्रफ हो जाता है, तो वो आपको रेगुलरली ब्रश करना पड़ेगा ताकि डॉग की स्किन अच्छी रहे। इनको ज़्यादा खाने के साथ साथ
बहुत ही अच्छे क्वालिटी के खाने की भी ज़रूरत होती है ताकि इनके बोन्स और इनकी बॉडी अच्छे से मेंटेन रहे। इसके लिए आप उनको अच्छे क्वालिटी का फूड दे सकते हैं और अगर आप चाहे तो इनको घर का भी खाना दे सकते हैं, बस उसका जो क्वालिटी है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दीजिए। आप इसको 5 अंडे दे सकते हैं पूरे दिन में। बस आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो येलो वाला पार्ट होता है अंडे का, जिसको यॉर्क कहते हैं, वो आप उसको एक ही दें क्योंकि उसमें फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होने के कारण वो डॉग की हेल्थ के लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा, बल्कि अगर ज़्यादा मिल जाए तो डॉग के हेल्थ को नुकसान भी कर सकता है उसको फैट बना के, और वो ज़्यादा लेथर्जिक हो जाएंगे फिर। अब जानते हैं सबसे मेन बात कि ग्रेट डेन की प्राइस क्या होती है। तो ग्रेट डेन की प्राइस अराउंड 18,000 से लेके 35,000 तक होती है, और कहीं कहीं पे 35,000 से ग्रेट डेन के लिए बहुत ही ज़्यादा भी प्राइस हो जाती है। आपको वो 40,000 में या फिर 45,000 में भी कॉस्ट हो सकती है उसकी, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 18,000 से उसकी प्राइस नीचे आ जाए बेस्ड ऑन क्वालिटी। ग्रेट डेन्स बहुत ही इंडिपेंडेंट बिहेवियर वाले होते हैं और बहुत ही लविंग नेचर उनका होता है, और वो अगर घर में कोई भी आए तो उन पे सिर्फ बार्क करते हैं, ना कि उनको डायरेक्ट काटने के लिए भागते हैं। ये ज़्यादातर पेशेंस रखते हैं क्योंकि इनको इनकी ताकत का अंदाज़ा होता है कि ये बहुत बड़े हैं और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रीड है। ग्रेट डेन को आपको दिन में डेली 2 से 3 बार वॉक पे ले जाना पड़ेगा ताकि उसकी हेल्थ अच्छी रहे और उसके जो मसल्स और बोन्स होते हैं उनमें मूवमेंट होते रहे। और विंटर्स के समय में आपको इसको धूप में रख सकते हैं, पर एक बात का ध्यान रखिए कि समर में आपको इसको बिल्कुल भी धूप में नहीं रखना है क्योंकि इसके कारण इसको स्किन इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। और विंटर में आप इनको जितना ज़्यादा घुमा सकें उतना ज़्यादा घुमाइए ताकि इनके बोन्स और जो मसल्स और टेंडन्स होते हैं वो अकड़े ना, क्योंकि जब ग्रेट डेन्स बूढ़े हो जाते हैं तब इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि हिप डिस्प्लेशिया जैसे पहले ही बताया था, और इनका बोन साइज बहुत ही ज़्यादा भारी होने के कारण इनमें बहुत ज़्यादा पेन आता है। अब बारी है एक सब्सक्राइब की। यार बार बार मुँह में सब्सक्राइब क्यों आ रहा है? सब्सक्राइब आप जल्दी सब्सक्राइब कर दो, और इसके बाद मैं ये Q&A क्वेश्चन बताऊंगा कि ये Q&A क्वेश्चन है क्या। तो किसी ने मुझे पूछा था कि आप YouTube के अलावा और क्या करते हो, तो इसका जवाब मैं आज देने वाला हूँ, वो है कॉमेडी चल रहा है। तो फिलहाल तो मैं एनिमल साइंस का स्टूडेंट हूँ और आगे जाके BVSC यानी बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेस की तरफ जाने का मूड है। कैसी लगी आगे स्वाद? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।